नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AIBCA TV। आज दिनांक 15 अगस्त 2021 को PG कॉलेज गाजीपुर में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने झंडा आरोहण किया तथा इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्राचार्य श्री डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हमें उन अमर शहीदों को याद करना होगा जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्राचार्य समर बहादुर सिंह ने महाविद्यालय का इतिहास बताते हुए कहा कि इस महाविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्वांचल का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय रहा, यह अपने स्थापना काल से ही अच्छी भूमिका अपने निर्वहन कर रहा है। इसकी भी स्थापना का एक ऐतिहासिक महत्व है। देश के उन शहीदों को, उन अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के लोगों ने 1857 के शहीदों को ही विशेष कर नमन करने के लिए 1957 में इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। और जब से यह महाविद्यालय स्थापित है, अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज भी पूर्वांचल के श्रेष्ठतम महाविद्यालयों में से एक है और इसे श्रेष्ठतम बनाने में यहाँ के तमाम सारे प्राध्यापकों, हमारा आपका, यहाँ शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों सबका योगदान है कि यह महाविद्यालय आज पूर्वांचल। मैं राकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर PG कॉलेज गाजीपुर, और इस बदलाई धरती से मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर योगेश कुमार, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं समस्त छात्रों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश निरंतर विकास करता रहे। मैं डॉक्टर जी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग PG कॉलेज गाजीपुर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग PG कॉलेज गाजीपुर के इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, छात्रों और हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब को और सभी देशवासियों को 75th इंडिपेंडेंस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धर्मेंद्र निषाद, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र PG कॉलेज गाजीपुर। 75वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर समस्त छात्र छात्राओं एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड संगीत सितार विभाग PG कॉलेज गाजीपुर। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर PG कॉलेज गाजीपुर गणित विभाग से, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने सारे छात्र छात्राओं को, भाई बंधुओं को, देश की हार्दिक शुभकामनाएं। समरेंद्र नारायण मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत PG कॉलेज गाजीपुर, आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी शिक्षक बंधुओं, कर्मचारी बंधुओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम ये आशा करते हैं कि हमारा देश और भी उन्नति, तरक्की और पूरे विश्व में एक नए कीर्तिमान को अगले साल तक स्थापित करने का काम करेगा। धन्यवाद। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अपने देश के सभी क्रांतिकारियों को याद करता हूँ, नमन करता हूँ। दो बातें हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया, पूरा देश, देश के लिए मरने को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है देश के लिए जीना। इसलिए आप देश के लिए जीना सीखें और जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके साथ अपना जीवन यापन करते हुए, देश की प्रगति में अपना योगदान करते हुए आप स्वयं को भी आगे बढ़ाएं। पुनः हार्दिक बधाई। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसमें हमारे NCC कैडेट, हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक, कर्मचारी, आप सभी इस स्वतंत्रता दिवस से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये
विश्वास रखते हैं कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी व्यवधान होंगे उन्हें हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक सब मिलजुल कर काम करेंगे, जिससे समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तत्पश्चात झंडोत्तोलन का कार्य पूर्ण होगा। यह उत्सव हम सबको राष्ट्र के समग्र उत्थान के प्रति सजग, सक्रिय, सचेत और सर्वत्र सद्भाव और संभाव और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है, जिससे जो हमारे वीर सपूत इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, मैं उन्हें सर्वप्रथम श्रद्धा से नमन करता हूं और सिर झुकाता हूं कि आज उनके बताए हुए मार्ग। धन्यवाद प्राचार्य जी। निश्चित रूप से जो कार्य तलवार से नहीं किया जा सकता है वो कलम से किया जाता है।